उत्तर प्रदेश से छात्रों के आंदोलन की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ प्रयागराज में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों हजारों छात्र सड़कों पर हैं और आखिर क्यों पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया? तो मुद्दा है पीसीएस और आरओएआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा। अभ्यर्थियों की मांग है कि ये परीक्षाएं एक ही दिन कराई जाए। बता दें कि यूपीएससी ने 5 नवंबर को घोषणा की थी कि आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बता दें कि 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन वो स्थगित कर दी गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन फिर स्थगित कर दी गई। अब बीते 5 नवंबर को यूपीएससी ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उसी दिन छात्र सड़कों पर उतर आए। वजह है परीक्षा का आयोजन एक दिन के बदले 2 दिन करना और इसके कारण होने वाले नॉर्मलाइजेशन का विरोध। तैयारी कर रहे छात्र पिछले 10 महीने से पीसीएस एग्जाम होने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के पीछे की वजह है यूपी सरकार की एक विफलता। पहले उस कहानी को समझते हैं, फिर आगे की बात समझने में आसानी होगी। 11 फरवरी 2024 आरओएआरओ का एग्जाम हुआ था। उसी दिन शाम होते होते सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें आने लगी। इस पर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। छात्र दोबारा परीक्षा करवाने की मांग करने लगे। पूरी सील को अपने कॉलेज के अंदर ही खोल के उसके बाद कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रूल के अकॉर्डिंग ये है कि आपको सील सहित पेपर मिलना चाहिए कमरे में, और कोई भी पेपर हमें सील सहित नहीं मिला है। और प्रबंधन ये कह रहा है यहाँ की कि हमसे गलती हो गई है, हमने पेपर पहले खोल दिया है। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ से मामले की जाँच कराने का फैसला लिया। मामला यही नहीं रुका, छात्रों की मांग पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया। इसके बाद 7 मार्च को लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया कि 17 मार्च को पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित की जाती है। बताया गया कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई। इस परीक्षा को लेकर लगातार नोटिफिकेशन आते गए और परीक्षा स्थगित होती गई। इसके बाद 5 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन आया कि 22 और 23 दिसंबर को आरओ एआरओ की परीक्षा होगी। पेपर लीक और परीक्षा की बढ़ती तारीखों से परेशान छात्र एक दिन से ज्यादा परीक्षा का आयोजन होने से बिफर गए और सड़कों पर उतर आए। सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे को ही छात्रों ने अपना नारा बना दिया और कहा पेपर बटेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे, वन डे वन शिफ्ट की हमारी मांग है। मामला बढ़ता देख आनन फानन में प्रशासन और आयोग के अफसर भी बातचीत के लिए पहुंचे, जो बेनतीजा रही। यही नहीं, आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिख दिया गया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की शव यात्रा निकाली गई। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे छात्रों की पुलिस से नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। फोर्स ने छात्रों को काफी दूर तक खदेड़कर तीतर बितर कर दिया। इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने छात्रों पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल। आज यूपी के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो है वो है नौकरी, जो बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इधर डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द ही समाधान निकाले। वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।